नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। देखिए दोस्तों, मेरी एक सीरीज चल रही थी अलार्म पॉइंट की, या कह लीजिए फ्रंट शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट होते हैं, इन सबको अलार्म पॉइंट भी कहते हैं। ये अलार्म पॉइंट क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अलार्म पॉइंट होते हैं कि हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर कुछ ऐसे बिंदु है जिनको प्रेस करके आप ये पता कर सकते हैं कि ऑर्गन की, उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है उसकी कंडीशन कैसी है, वो ख़राब है या ठीक है। और उस ऑर्गन को अगर ख़राब है, कमज़ोर है, वीक है, इन्फेक्शन है, तो उसको वहाँ पर प्रेशर देके उस ऑर्गन का आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, डायग्नोस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे काम के पॉइंट है ये जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको जो, अगर आप एक्यूप्रेशर नहीं जानते तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हैं, एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको एक तो नॉर्मल भाषा में समझाऊँगा कि ये सबके लिए, लेमैन के लिए कैसी यूज़फुल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लोगों के लिए या थेरेपिस्ट लोगों के लिए बताऊंगा कि आप इसको अच्छे से यूज़ करके कैसे अपने प्रोटोकॉल में ऐड कर सकते हैं। जब कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उसको कैसे आपको ऐड करना है वो बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए, आज का जो अलार्म पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसमें एक होते हैं फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट। फ्रंट शू पॉइंट को MU पॉइंट भी बोलते हैं। हम अभी जो सीरीज चल रही है वो MU पॉइंट का है। तीन पार्ट मेरे आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज जो है ये फोर्थ पार्ट है। इसमें जो मैं है आपको स्टमक का, यानी कि पेट का फ्रंट शू पॉइंट बताऊंगा। पेट का फ्रंट शू पॉइंट होता है CV12। ये कहाँ पे होता है पहले तो ये देख लीजिएगा। ये देखिए, आपकी नाभि से जो है ये चार कुन या चार चुन बोलते हैं, कुन बोलते हैं, या फिर चार सुन की दूरी पर होता है, यानी कि छः उंगली की दूरी पर, नाभि के ऊपर रखिएगा, नाभि से ऊपर छः उंगली की दूरी पर, लगभग यहाँ पे ये जो गड्ढा होता है इसके बीच सेंटर में रहेगा ये पॉइंट, यहाँ पे CV12 पॉइंट होता है। यहाँ पे आप प्रेशर देकर चेक कर सकते हैं कि आपके स्टमक की स्थिति कैसी है। इसके अलावा आप इसको प्रेशर देके आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप ठीक कर सकते हैं। पेट की कोई भी गड़बड़ी हो रही है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, आजकल जो वायरस चल रहे हैं उससे पेट में भी, डाइजेशन सिस्टम में भी फ़र्क पड़ता है, तो आप इस पॉइंट को प्रेशर देंगे तो आप उससे बचाव भी हो सकता है अन्य पॉइंट्स के साथ, और इसमें आपको फ़ायदा होगा। स्टमक की सभी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, चाहे आपको लूज मोशन हो रहे हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो उसमें भी यूज़फुल है, चाहे डायरिया हो, इन्फेक्शन हो पेट का, या कोई भी प्रॉब्लम, गैस बन रही हो, उल्टी आ रही हो, तो भी आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। बहुत काम का पॉइंट है CV12 को, कंसेप्शन वेसल 12 पॉइंट, ये यूज़ कीजिएगा एक्यूप्रेशर में। और भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, बट स्टमक के लिए जो मैंने आपको बता दिया, आपके स्टमक का हाल इस पॉइंट को टच करके आप जान सकते हैं कि आपके पेट का क्या हाल है। अभी इसको आप, हाँ, सुजोग में भी बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सुजोग में बताइए हमें, सुजोग मेरिडियन में सेम पॉइंट होते हैं, जो लोग नहीं जानते, सेम पॉइंट को हाथ में भी दिखाया गया है, उसको सुजोग बोलते हैं। वो पॉइंट देखिए आपके सेंटर में, ये देखिए मिडिल एंड रिंग फिंगर के सेंटर में, ऐसे आप रखेंगे तो यहाँ पर है CV12 पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर ये CV12 पॉइंट है, आपको ऐसे करके आप करेंगे तो ढूंढ लेंगे ये पॉइंट CV12। ये दोनों हाथों में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। इसमें आपको देखिए ट्रीटमेंट कैसे देना है, पहले तो आपने चेक कर लिया, आपको मालूम चल गया कि आपका पेट ख़राब है, स्टमक की स्थिति ख़राब है, तो इसमें आपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार मसाज करनी है, 2-2 मिनट के लिए। इसके अलावा जो थेरेपिस्ट लोग हैं यहाँ भी प्रेश दे सकते हैं ट्रीटमेंट, सीडेशन या टोन कर सकते हैं, या फिर स्टार मैग्नेट, मेथी का दाना, मटर का दाना लगा सकते हैं दोनों हाथों में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसी और कैसे यूज़ करना है आम आदमी के अलावा, जो थेरेपिस्ट लोगों के लिए कैसे करना है, वो मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ। अभी बात करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, स्प्लीन का फ्रंट शू पॉइंट। स्प्लीन यानी कि तिल्ली पलिहा जिसको बोलते हैं, एक ऑर्गन होता है, उसका जो फ्रंट शू पॉइंट है वो है लीवर 13। ये पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ये आपकी नाभि है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर आएंगे साइड में, यहाँ पर है ये जो आपका कहते हैं 12-11 नंबर का जो रिब है,
11 नंबर के पसली के यहाँ साइड में यहाँ पर है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं लीवर 13। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ अगर आपको पेन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्प्लीन में, तिल्ली में, पलिहा में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसका इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? लीवर 13 पे। लीवर 13 पे इलाज करने से आपको स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आपका फीवर में जैसे स्प्लीन बढ़ जाती है, उसमें खून की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें खून की कमी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, और सभी तरह के फीवर में स्प्लीन, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि स्प्लीन बढ़ गई है, हम सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें स्प्लीन बड़ी हुई निकलती है, बड़ी हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीन का, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो मालूम भी कर सकते हैं कि स्प्लीन आपकी खराबी है या नहीं है और उसको ठीक भी कर सकते हैं आप स्प्लीन को, यहाँ पर लीवर 13 पर ट्रीटमेंट देकर। आपको यहाँ भी इसी तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्रीटमेंट देना है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि थेरेपिस्ट लोग, एक्यूप्रेशर स्टूडेंट या बाकी लोग इसका कैसे यूज़ करेंगे। देखिए जो फ्रंट शू पॉइंट है या अलार्म पॉइंट, टोटल फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट के जरिए आप डायग्नोस भी कर सकते हैं। जब आपको बीमारी समझ में नहीं आ रही, अन्य डायग्नोसिक टंग डायग्नोस किया आपने, पेशेंट से पूछा, आपको फिर भी बीमारी का रूट कॉज मालूम नहीं चल रहा है, तो आप ये फ्रंट शू पॉइंट पर प्रेशर देकर मालूम कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में खराबी है। इसको अपने तरह से यूज़ ऐसे कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया है, कोई उसको बीमारी है, उसमें असर नहीं हो रहा है और आपको बीमारी की रूट कॉज नहीं मिल रहा है, चाहे सर्दी खांसी ले लीजिए, आप लंग्स का ट्रीटमेंट देते जा रहे हो लेकिन उसका रूट कॉज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसके जो सहायक जो है, उसके जो सहायक ऑर्गन है उनके ऊपर, उनके फ्रंट शू बैक शू पॉइंट पर प्रेशर देकर आप जांच देखिए इसकी जड़ कहाँ पर है, या कोई आपको ऐसा सिम्टम मिलता जा रहा है कि पेशेंट को वॉमिट भी हो रहा है, तो आप स्प्लीन या स्टमक के फ्रंट शू पॉइंट चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को स्प्लीन में या स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से आप प्रयोग करके बहुत अच्छा डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आप जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसमें ये जो पॉइंट है अलार्म पॉइंट जोड़ लेंगे तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसको आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये सीरीज़ को देखते रहिए तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।